गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा मैथ्स में टॉपिक है नंबर्स। नंबर्स के बारे में आप सबको पता होगा, तो आज हम काइंड ऑफ नंबर्स देखेंगे। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द काउंटिंग नंबर्स, मतलब काउंटिंग नंबर जिनको हम गिन सके, लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, आगे जहां तक भी हम गिन सकते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी कि 1 से स्टार्ट होकर जहां तक भी हमारे नंबर्स जाएंगे काउंटिंग में, हम उनको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर्स। ठीक है, अब आप इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो, यही बात आपको नोट करनी है, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आर कॉल्ड होल नंबर। अब आपको इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिखाई दिया। देखिए क्या डिफरेंस है, जो नेचुरल नंबर है हमारे वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 आगे जहां तक भी हमारी काउंटिंग चलती है। वो जो होल नंबर है, संपूर्ण संख्याएं, वो हमारी कहां से शुरू होगी? 0 से। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप ध्यान में रखेंगे कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और जो हमारे होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इज कॉल्ड होल नंबर्स। इन दोनों का पता लगा। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्या है डेफिनेशन? ए प्राइम नंबर इज एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, यानी कि ऐसा नंबर जो नेचुरल बड़ा होना चाहिए, विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके यदि हम फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास कितने फैक्टर्स होंगे? ओनली 2 फैक्टर्स होंगे। देखिए जैसे मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 11 और 13। अब आप इनके फैक्टर्स लीजिए। फैक्टर करने से क्या मतलब है, हम देखेंगे कि किस किस के टेबल में आते हैं। जैसे 1 किस टेबल में आएगा? 1 में आएगा, 2 में आएगा। नोट कीजिए आप कितने फैक्टर बनेंगे? 2 फैक्टर। और वो 2 फैक्टर कौन से होते हैं? एक तो उसमें 1 होगा हमेशा, और एक जो नंबर दिया हुआ है वो खुद ही होगा नंबर, द नंबर इटसेल्फ। उसके बाद तीसरा कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा, मतलब एक तो 1 होगा उसमें, एक वो नंबर खुद ही होगा। ये 2 ही फैक्टर बनेंगे उस नंबर के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। अब आप 11 में फैक्टर कीजिए, 1 बनेगा, 1 सबका फैक्टर होता है। ठीक है, 1 के बाद में 11 में आएगा, ये 11 देखिए आप किसी भी टेबल में आता है क्या? नहीं आता, तो 1 और 11, 1, 2 फैक्टर्स। ऐसे आप 13 देखिए, 1 की टेबल में आएगा, आगे किसी की टेबल में नहीं आएगा, जाके अपनी टेबल में आएगा, तो एक ही हो गया। जिसमें कितने फैक्टर है आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 1, 2, तो जिसके 2 ही फैक्टर बने, कौन से बने? नेक्स्ट है आपका कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम जिसे घटे होंगे उनको हम कंपोजिट बोलेंगे। एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ के, यानी कि 1 को हम ना तो प्राइम में लेंगे ना कंपोजिट में लेंगे, दैट हैज मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। मतलब ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। देखिए मैंने यहां पे लिखा जैसे 12 लिख दिया। अब आप 12 के फैक्टर्स स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्या आता है फैक्टर में? 1। अब आप देखिए 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, और फिर ये 12 की टेबल में आता है। अब आप इसके फैक्टर काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आपके पास? 6, यानी कि 2 से ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये आपका क्या है? कंपोजिट नंबर। तो ये आपने क्या देखा? सबसे पहले आपने देखा नेचुरल नंबर, जो नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से। उसके बाद आपने देखा होल नंबर, जो नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे पास? 0 से। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर बनेंगे, 1 से एक तो 1 बनेगा, द नंबर 2 से।
क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। और नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जो वन से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और जिसके दो से ज्यादा अलग फैक्टर बनेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो ये आपको डिवाइस करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।